छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर मोबाइल ऐप न्यूज 36 लाइव ला गूगल प्ले स्टोर में जाके झट ले डाउनलोड कराओ। जय जोहार। तिफरा ला औद्योगिक और व्यापार जगत में बड़े स्थान प्राप्त है। फिर कंपनी ले निकले धुआं और ओखर ले हुआ प्रदूषण ले वो क्षेत्र के लोगन ला भारी परेशानी हुआ थे। हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी के लोगन ला अब सांस ले में घलो तकलीफ होए लगे है। यहाँ के कॉलोनी के लोगन बताएं कि उनका घर हा पूरा करिया हो गए है। ये फैक्ट्री ले जिन पानी निकलते उखर निकासी के घलो व्यवस्था नहीं करे गए है। ये सब धूल की वजह से ना ये पूरा काला हो जाता है, पूरा इतना सफाई करने के बावजूद भी साफ नहीं होता है, फिर से धोना पड़ता है। क्या करेंगे बार बार। ये देखो आज मैं पोछा नहीं करती ना, एक दिन पोछा नहीं करने से ये पूरा देखिए ऊपर आके आप जाके देख सकते हैं कि कितना धूल बैठा हुआ है। हम छत पे हो के आगे सारे सब छतों पे गए थे, और यहाँ पे नगर निगम की गाड़ी आती है साफ सफाई करने का छोड़ा लेने। हाँ वो तो आती है, आती है गाड़ी, उस रोडों पे तो पूरे कचरे फैले हुए हैं। अब उधर का तो मालूम नहीं है क्योंकि उधर का साफ करते हैं या नहीं, पर कचरे की गाड़ी आती है। आती है और नीचे आप लोग खुद नीचे उतर के देने जाते हैं? आते ऊपर नहीं नहीं नहीं, वो हम लोग खुद देने जाते हैं। देने जाते हैं। और कोई समस्या स्वास्थ्य से रिलेटेड? नहीं वो तो सब ठीक है, बस ये इसके वजह से धूल की वजह से बहुत ज्यादा ये कोयले की गाड़ी की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये तो मेरा शुरू से ही मकान है, जब से इलाज हुआ तब से। यहाँ इस टाइम की गंदगी शुरू से ही है? शुरू से ये कोल वर्षनी के कारण है, पूरी जो रख रही है पूरी धूल धक्कड़ ये सब कोयले पर। तो इसके लिए कोई नगर निगम की सुविधा या उनके कोल वर्षनी तरह कोई भी सुविधा नहीं दी गई है? अब ये तो इनको बोलना चाहिए प्राधिकरण वालों को, जिनका ने मकान अलॉट किया है, कि भैया जो रह रहे हैं उनको सांस की तकलीफ बीमारी ये सब धूल के चलते होती है, पर क्या वो तो बोलते ही नहीं है कोई। यहाँ से आपके द्वारा कंप्लेंट गई है? कंप्लेंट किए कई बार, मैंने जाके बोला है वहाँ पे अधीक्षक को भी, धूल धक्कड़ यहाँ इतना ज्यादा हो रहा है, उसके बाद कोई वो नहीं गया आपको जमीन में। और जो बाहर कचरे वचरे पड़े हैं गाड़ी भी नहीं आती है? हाँ। कोई गाड़ी नहीं आती उसकी? ये तो ये हाँ धूल धक्कड़ आता है भाई, जहाँ ना कपड़ा उपड़ा व्हाइट शर्ट है ना ड्रेस व्रेस जो भी सुखाते हैं ना तो सब में मतलब दिक्कत आता है ना, और उससे खांसी भी हो गए पूरा, खाना पीना अंदर पूरा। साफ सफाई दिन में कितने बार करनी पड़ती होगी? अरे बहुत, 6-7 बार तो झाड़ू ही लगाना पड़ता है, यही करने को 10-12 बार सुबह झाड़ू लगा थे। देखो नगर निगम की गाड़ी आती है? नगर निगम के आने गाड़ी नहीं आती, और रोड में खाली पानी को डाल के पूरा खींचा टाइप कर देते। डलता है कभी कभार? डलता है पानी, अभी रोड डर रहा है तत्काल है ना, अभी इसी महीने से डल रहा है, पहले शुरू से डलता है? इसी महीने से डर रहा था, मतलब शुरू से डलता था तो एक ही दो बार बस डलता था। ये चुनाव के चक्कर में पानी डाला जा रहा है? हाँ आरटीआई से निकाला था, उसमें इनने बताया हुआ है कि कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने की जो रोड है उसमें हम स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, फुब्बारे के द्वारा पानी रोड पे डालते हैं जिससे कॉलोनी में डस्ट नहीं आती। ये मैंने आरटीआई से निकाला, सन 1905 से लेकर जब से इनकी फैक्ट्री डली है आज तक का, उसमें हर बार इनने बोला हुआ है, जब से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी 2011 से बनी है उसमें उन लोगों ने इसी बात पे परमिशन मिली है कि उसकी रोड पे डस्ट ना आए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वो ट्रैक्टर से डालता है, सुबह डाल देता है, शाम को डाल देता है, और बाकी पूरे दिन डस्ट। यहाँ ये हालत होती है कि पानी का जब पीने का पानी रखते हैं तो ऊपर में डस्ट जम जाती है, कपड़े सुखाते हैं तो उसके ऊपर काला काला एक डस्ट जम जाती है, पैर में काला काला चढ़ जाता है, नहाने के बाद 5 मिनट में पैर में काला हो जाता है, हर 10 मिनट बाद पोछा लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं घर के अंदर रह सकते हैं, बाहर की बात तो छोड़ दीजिए। छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुका था, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।